अब तक आपने देखा। देखो पूनम, हमारे और लाखन ठाकुर के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना, वरना कल के बदले ना आज ही छीन कर ले जाएंगे उनको। धीरे धीरे करके हम लाखन ठाकुर का मन मोह लिए। अब वो दिन दूर नहीं है जब पूनम इस घर से बाहर होगी और हम इस घर के अंदर। लाखन का कोमल की तरफ झुका तुमको हर हाल में रोकना होगा पुन्नी। हमको तो लगता है कि इन लोगों का शादी ज्यादा चलने वाला नहीं है, बहुत जल्दी तलाक हो जाएगा, देख लेना। हम इस परिवार को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहते थे, बिखेरना नहीं चाहते थे। अब देखिए आगे। दो दिन से कुछ नहीं खाया भैया, कोई काम भी नहीं दे रहा हमको, घर पे भी सब भूखे बैठे हैं, खाना खिला दो ना। अभी 7 लोग और बाकी हैं, तब तेरा कल्याण होगा बच्चा। तुझे अगर सर्वशक्तिमान बनने की लालसा है तो इसकी कीमत चुकाने के लिए झिझकता क्यों है? इधर आ। लड़नर। आप कुछ पैसे दे दीजिए, हम खुद ही खा लेंगे भैया जी। अबे साले, सारी जिंदगी भीख ही मांगेगा क्या तू? तू चाहता नहीं तेरी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा हो? लड़नर। धन्यवाद भैया जी। मिथिलेश ठाकुर ने हाईवे से पश्चिम की तरफ गाड़ी मोड़ ली है। ये क्या कर रही हो तुम? आ गई। इससे अच्छा हुआ तुम आ गई। तुमको जलाए बिना ना हमारा मकसद पूरा नहीं होता। हम हमारे लाखन ठाकुर के लिए लिट्टी बना रहे। वो हमारे पति, लेकिन अब नहीं रहेंगे, क्योंकि अब वो ना हमारे होने वाले। पहले तो तुम्हारी बात से लाखन ठाकुर नफरत करते ही थे, लेकिन जब ये आटा वाला हाथ तुम्हारे गाल पे छप जाएगा ना, तो फिर तुम्हारी सूरत से भी नफरत करने लगेंगे। तुम्हारा हाथ गुस्से में पकड़ा जरूर था हमने, लेकिन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं हैं। चलो गिरे हुए ही सही, लेकिन तुम्हारा पति तो हम पे मेहरबान है। कोमल! ओह, कितना चिल्लाती हो तुम भाई। देखो, ऐसे चीखने चिल्लाने से तो कोई फायदा है नहीं, सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। अगर सच्चाई को बदलना है तो आ जाओ मैदान में। जिसका बना हुआ खाना उनको अच्छा लगेगा, लाखन ठाकुर उन्हीं के हो जाएंगे। लाखन ठाकुर हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहे, और वो कोई इनाम नहीं जिन्हें हासिल करने के लिए हमें तुमसे प्रतियोगिता करनी। हार मान गई का? कोशिश करने से पहले ही हार मान गई? ठीक है, तुम्हारी मर्जी,
भाई अपना इरादा बदल चुका है। पूनम का लिट्टी चोखा हमसे बेहतर कैसे बन रहा है? अगर ये लाखन ठाकुर ने खा लिया तो हम हार भी सकते हैं। परमा, अब इन्हीं के साथ रहना है तुम्हें। यही तुम्हें खाने को भी देंगे, काम भी देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, हमको यहाँ नहीं रहना है। अरे सुनो, बात सुनो, मैं इधर आओ। देखो, तुम यहाँ किसी खास उद्देश्य के लिए लाए गए हो, खास बनने के लिए लाए गए हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं बनना हमको, हमें बस जाने दो, छोड़ो छोड़ो। बदलेश ठाकुर, कल आपके जाने के बाद हमारे डेरे पे कुछ नकाबपोश है। बताइए। नहीं रहा है कोई, खैर इनसे तो हम निपट ही लेंगे, आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं है। फिक्र करने की जरूरत तो है, तंत्र मंत्र की शक्ति से तुम्हारे तकदीर बदल सकती है ठाकुर। इससे पहले कि तुम्हारे दुश्मन को और विघन डाले, बाकी के लोगों का इंतजाम करो। ये पूजा हमें जल्द से जल्द संपन्न करनी होगी। जी, चलते हैं। बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। इसको खाकर ना हमारा बेटा पगला जाएगा। सच में? अरे हम खुद ही पगला जा रहे हैं। लेकिन एक समस्या है, जानती हो, बहुत ही गंभीर समस्या। का? अरे कलमुई पूनम, तू भी तो अच्छा खाना बना लेती है ना, तो
ये खाना चखकर लाखन तुम्हारे हाथ चूम ले। लेकिन उसके सामने जरा बन संवर के जाना और उसके मन में फिर से जगह बना दे। तब तक हम इस खाने की रखवाली करते हैं। रखवाली? बहुत भोली हो पुन्मी। अरे वो कोमल जलन के मारे इसमें कुछ मिला भी सकती है। अब खड़ी क्या हो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या करें, ये बड़की नानी तो सांप की तरह कुंडली मार के बैठी है खाने के ऊपर। खाना लाए हैं आपके लिए। रख दो, खा लेंगे। काम तो हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन उसके लिए अन्न को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। और लिट्टी चोखा ना ठंडा अच्छा भी नहीं लगता। खाना है हा? मरचा है इसमें खाली, मुंह चल रहा है हमारा पूरा। मिर्ची? लेकिन मिर्ची ठीक कैसे? कैसे वैसे नहीं, जो लपड़ मारा ना तुमको उसका बदला ले रही हो ना तुम हमसे। लखन ठाकुर, हमने चखा था आपको खिलाने से पहले, तब तक बिल्कुल ठीक। चखा था तब तुम्हारे दिमाग की तरह तुम्हारा जबान भी जो है ना खराब हो गया है। आप बोलो बोलो कि कोमल ने किया है। क्या हुआ?
कोई बम लेके तो आए, मरी जाएंगे हमको तो लगता है, मरी जाएंगे। हमको बताओ बम कहाँ रखा है, हम लेके आते हैं। बम अलमारी में रखे हैं, हम रखे हैं अलमारी, अभी लाते हैं, अभी ला रहे हैं। सर पे का खड़ी हो, अपना उठाओ लिट्टी चोखा और लेके जाओ यहाँ से, पेट भर गया हमारा, खाली है हम। अभी तो गाली पड़ा है और ज्यादा सफाई देती तो हो सकता है कि थप्पड़ भी पड़ जाता। अब तुम अपना दांव खेल लियो, अब हमारी बारी, हमको भी तो मौका मिलना चाहिए। लाखन ठाकुर, अब हमको समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते थे। पूनम ने जो भी किया वो सही में अच्छा नहीं किया, मतलब ऐसे गुस्से का जवाब गुस्से में नहीं देना चाहिए था उसको। हमको अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कैसे बोले, रसोई में हम पूनम को देखे कि लिट्टी चोखा बना रही थी और गुस्से में इतना सारा मिर्चा झोंक दी। आप उसको थप्पड़ मारे थे ना, तो शायद उसी का गुस्सा खाने पे निकाल रही है। लेकिन हमारा मानना है कि गुस्से का जवाब प्यार से देना चाहिए, वो ना समझ है, इसीलिए हमको ये देख के अच्छा नहीं लगा। तो हम सोचे कि हम सेम टू सेम ऐसा ही लिट्टी बना देते हैं आपके लिए। आप भूखे हैं ना, और आपको भूखा देख के हमको नहीं अच्छा लगेगा, इसीलिए हम ही लिट्टी चोखा आपके लिए बना के लाए, खाइए ना। हमको भूख नहीं। क्या बोले, भूख नहीं है? मतलब इतना प्यार से लिट्टी चोखा बना के लाए हैं आपके लिए और आपको भूख नहीं है? देखिए तो जरा, देखिए चार चार लिट्टी पड़ा हुआ है, एकदम रो रो के आपको बोल रहा है कि ए लखन ठाकुर हमको खाइए ना, हमको भोग लगाइए, कितना अच्छा से प्यार से हम बन के आए हैं और आप खा लीजिए ना प्लीज एक ठो। आप कोमल देखो बस, हमको
कुछ नहीं सुन रहे। बस आपको ये खाना पड़ेगा, जब आप हमारे हाथ से खाइएगा ना तो लिट्टी चोखा का स्वाद ही बढ़ जाएगा। लीजिए। ऐसे नहीं, मुंह खोलिए, आपको हमारा कसम। चलिए खाइए। ये हुई ना बात, कैसा बना? अच्छा लगा? आपको हमारे हाथ का खाना पसंद आ गया, मतलब अब तो हम जिंदगी भर आपके लिए खाना बना सकते हैं।